सुप्रीम कोर्ट में क्यों तगड़े भिड़े सिब्बल मेहता, सीजीआई चंद्रचूड़ ने किसको फटकारा, कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट का माहौल गर्म। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का माहौल बेहद गर्म रहा, क्योंकि एक तरफ बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता में तगड़ी बहस हुई। वहीं दूसरी तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक दलील पर वकील की जमकर फटकार लगा दी। सबसे पहले जानते हैं कपिल सिब्बल और तुषार मेहता में कैसे भिड़ंत हुई, उसके बाद जानेंगे सीजेआई ने किस वकील को तगड़ी फटकार लगाई और क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल और मेहता के बीच लंबी तगड़ी बहस हुई, जिसके कुछ हिस्से हम आपको बता रहे हैं। कोलकाता केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब ये दलील दी कि यूडी यानी अननेचुरल डेथ वास्तव में रात के 11:30 में था, जिसको सिब्बल ने पूरी तरह से नकार दिया। सिब्बल ने कहा कि नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो वीडियो की सीडी कोर्ट में दिखाएं। सिब्बल की इस मांग पर एसजी मेहता ने दलील पेश की और सिब्बल से कहा, प्लीज आप जनरल डायरी की एंट्री को पढ़ें, उसके अगले पन्ने पर जाएं, जिससे मालूम चलेगा थाने पर लौटने के बाद ही ये मामला दर्ज किया गया है। उससे पहले केवल जनरल डेथ की एंट्री की गई थी। एसजी तुषार मेहता ने कहा, यही पूरी घटना है, जिस पर सिब्बल ने दलील दी कि ये सब केवल पानी को गंदा कर रहा है और आप भी यही कर रहे हैं। सिब्बल ने एसजी तुषार मेहता को कहा कि आप ये बोल रहे हैं कि एक जनरल डायरी एंट्री है, लेकिन मैं भी तो वही कह रहा हूँ। हालांकि सिब्बल की इस दलील पर एसजी हल्के गुस्से में दिखे और कहा, कृपया हंसिए नहीं, इस मामले में एक लड़की ने सबसे अमानवीय तरीके से अपनी जान गंवाई है। जिस पर सिब्बल ने कहा, हम सब जानते हैं ये बर्बरता है। सिब्बल ने आगे कहा, चलो चलो चलो, आप केवल पानी गंदा कर रहे हैं। जिस पर एसजी ने जवाब दिया कि हम केवल पानी को कीचड़ से हटा रहे हैं। फिर सिब्बल ने एक लंबी दलील पेश की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनको ये बोलते हुए खेद हो रहा है कि केंद्र एक तरह की धारणा बनाने के प्रयास में है, जबकि सूची में अननेचुरल डेथ भी है, उसके साथ जांच भी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, ये सभी दस्तावेज हैं, लेकिन ये सभी 11 बजे रात के पहले के हैं। ऐसे में कोई ये कैसे दावा कर सकता है कि जांच शाम 4:40 पर हुई थी। वहीं ऑर्डर आते ही ओरिजिनल सीडी सीबीआई को हाई कोर्ट ने सौंप दी थी। इस तरह से कई और पॉइंट्स पर सिब्बल और मेहता के बीच तीखी बहस चली। वहीं अब ये जानते हैं सीजीआई ने किस वकील की जमकर फटकार लगाई। गौरतलब है, इस केस में मृतका डॉक्टर के शरीर के भीतर से 150 ग्राम वीर्य मिलने की चर्चा है। इस बारे में एक वकील ने ये दावा कर दिया कि पोस्टमार्टम में 150 ग्राम वीर्य की रिपोर्ट है। वकील की इस दलील पर सीजीआई चंद्रचूड़ बिल्कुल ही उस पर नाराज हो गए। गुस्से में सीजीआई ने वकील को कहा, सुप्रीम कोर्ट में दलील देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, सबके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसको पढ़ें। सोशल मीडिया पर जो पीएमआर है वो वास्तविक है या नहीं कहा नहीं जा सकता, इसलिए वास्तविक पीएमआर पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे मालूम है 150 ग्राम का वाकई में क्या मतलब है। सीजीआई ने फटकार को जारी रखते हुए ये भी कहा कि ऐसा लगता है पोस्टमार्टम के वक्त यूडी 861 से पहले ही हो चुकी थी। ऐसे में जांच अधिकारी ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने रात में थाने पहुंचने पर रिकॉर्ड किया है। बता दें, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से इंसाफ की उम्मीद का इंतजार सबको है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।